हेलो। तो जय हिंद भाई लोगों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेवाड़ी हाल में यूट्यूब चैनल में। तो भाई अभी आपको पता होगा कि बहुत से सभी मतलब जितने भी सेंटर थे लगभग उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। और उनमें से जो मैंने बोला था एक मेन सेंटर आर्मर सेंटर, उसका भी रिजल्ट आउट हो चुका है। उसकी भाई मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि भाई मैंने बोला था यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू है भाई, नेटवर्क बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू चलता रहता है, इसलिए भाई ये वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बता दूँ आपको, आर्मर सेंटर का रिजल्ट आ गया था जिसके अंदर टोटल वैकेंसी थी 99 वैकेंसी। तो भाई बहुत कम वैकेंसी निकली, मैं भी भाई बहुत शौक हूँ कि इतनी कम वैकेंसी क्यों निकली, ठीक है। तो इसका भी रीज़न आपको मैं बताने वाला हूँ, इतनी कम वैकेंसी क्यों निकली, ठीक है भाई। तो भाई जिस भाई ने भी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो भाई बात यह है कि मैंने बताया था आपको टोटल इसके अंदर 185 वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन भाई ये नहीं हो पाया। इसके अंदर बहुत कम वैकेंसी निकली क्योंकि भाई मेन रीज़न मैंने बताया था आपको कि पहले तो मैंने आपको बताया था कि मैंने किसी बंदे से पूछा है तो उसने बताया है। लेकिन भाई मैंने बोला ये भी बोला था कि वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा जिस सेंटर में कम वैकेंसी है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कम देखने को मिलेगी। तो वो जो सिस्टम था वो इस पर ही हो गया, आर्मर्ड सेंटर पर हो गया। इसके अंदर पहले आपको पता था पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिली थी इसके अंदर, लेकिन इस साल इसमें बहुत कम वैकेंसी कर दी गई है। पता नहीं भाई क्यों कर दी गई, लेकिन इस बार बहुत कम वैकेंसी निकाली आर्मर्ड सेंटर ने रिलेशन भर्ती के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और बहुत से भाई लोग बोल रहे थे तूने तो 180 बताया, 185 बताया, इतनी कम वैकेंसी क्यों निकली। तो भाई ये भाई मेरे को भी कोई अपडेट किसी से मिलती है तो मैं बताता हूँ, मैं किसी चीज़ को श्योरली नहीं कहता। अगर आपको पता होगा मैं ये क्या भी है बोल भाई, आपको पता होगा मैं कोई भी चीज़ आपको शोरली होती है तो ही बोलता हूँ, वरना नहीं बोलता। आप चाहे तो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं मैंने क्या बोला था वीडियो में, इसलिए बोलता हूँ वीडियो पूरा कंप्लीट देखा करो, ठीक है भाई। तो जिन भी भाई 99 बंदों का सिलेक्शन हो उनको उनको भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और भाई आर्मर्ड सेंटर में ही नहीं, किसी भी सेंटर में सिलेक्शन हुआ उन भाई सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और भाई ट्रेनिंग पे जाने के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैं भाई वीडियो नहीं बना पाऊँगा ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इश्यू है और एक वीडियो अपलोड होने में भी भाई पूरा दिन लग जाता है मेरा, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई सभी भाई लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो भाई ट्रेनिंग में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाना भाई ट्रेनिंग जर्नी, ठीक है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी भाई, ठीक है। और भाई जिसका भी सिलेक्शन हुआ वो कोई भी भाई नाराज मतलब निराश नहीं होना, ठीक है। आपका इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में सिलेक्शन जरूर होगा, अगली भर्ती में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है भाई। और हिम्मत नहीं हारना भाई, मैंने भी बहुत सी भर्ती देखी है यार, तब जाके किसी लास्ट भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। ओके भाई कोई टेंशन नहीं लेना यार, ऐसा चलता रहता है लाइफ में, ऐसे मोड़ आते रहते हैं। और 99 बंदों का सिलेक्शन हो उनको भाई बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है। आपकी आपकी इंडियन आर्मी में आपका पहला कदम पड़ने वाला है, ठीक है। तो भाई यही थी बात, और भाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ भाई, नेटवर्क का बहुत इश्यू है, ये आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें अब आर्टिलरी सेंटर की भाई अपडेट मिली है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। जो भी भाई भर्ती में जा रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ वो आर्टी सेंटर में ज़रूर जाए, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई लोगों।